सर एजाज साहब जो ये सऊदी अरब में अभी कार्यरत है, यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनी में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इनसे मैं कुछ सवालात पूछता हूँ, इनसे कुछ जानकारी हासिल करता हूँ मैं, तो आज हम लोग एक्चुअली बात करेंगे ये जो कोरोना पेंडेमिक है इसके बारे में, क्योंकि ये कोरोना का जो थर्ड वेव का अभी इंडिया में सुनने को आ रहा है कि ये थर्ड वेव का लहर आने वाला है, तो ये एक्चुअली स्टार्ट न्यूज़पेपर से होता है, ये ना कि किसी की बीमारी या किसी की तबीयत ख़राब से होता है, ये न्यूज़ वाले हमें बताते हैं और न्यूज़ पे ही ये ख़त्म होता है। तो एजाज साहब, मैं आपसे ये जानकारी हासिल करना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ें, और कंफर्म करना चाहते हैं कि ये कोरोना कितना इंटेलिजेंट है और कितना चालाक है कि हर एक साल के बाद ये आता है और फिर ये एक साल के बाद खुद ब खुद चला जाता है। और इसका स्टार्टिंग पीरियड भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्टार्टिंग पीरियड है यही दिसंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और ये अप्रैल तक जाते जाते अप्रैल मार्च अप्रैल तक जाते जाते ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये कैसे हो रहा है? जैसे कि हमको सुनने को मिल रहा है, देख भी रहे हैं हम लोग में, दो तीन दिन से लगातार कोरोना कोरोना की बातें कही जा रही है। बिल्कुल, और ऐसी बातें मतलब होती रहेगी, तो हमारी उम्मीद है कि दो तीन महीने के अंदर, दो मंथ के अंदर ये फिर लॉकडाउन होने की चांसेज है। और ये दूसरे कंट्री में हमारे जो लोग हैं, दूसरे जगह दूसरे कंट्री में जाकर के जॉब करते हैं, वो लोग को फिर जाने की उम्मीद है, चांसेज फंस जाएंगे फिर। तो ये हमें सबसे बड़ी हैरानी इस चीज़ की हो रही है कि ये जो कोरोना फैल रहा है ये न्यूज़ पेपर से ही क्यों फैल रहा है? जी बिल्कुल, ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि जितने भी न्यूज़ पेपर वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या जो न्यूज़ पेपर हैं या सोशल मीडिया है, तो ये न्यूज़ वाले, क्या ये न्यूज़ पेड आ रहा है, ये गवर्नमेंट का एक सोची समझे साजिश है, ये क्या है कि न्यूज़ वाले एक एक करके इस न्यूज़ को दिखाते हैं और एक महीने के बाद कोरोना वाकई में आ जाता है? जी जी, ये बिल्कुल, ये तो न्यूज़ से ही हमको सुनने को मिल रहा है कि यह कोरोना अब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और अब सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए, ऐसा वैसा सारी ऐसी बातें, तो क्या सुनने को ये गवर्नमेंट का इसमें विफल माना जाए? जी बिल्कुल, विफल ही माना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये कंटिन्यू कोरोना तो रहा है नहीं, बीच में पूरा सब चीज लॉकडाउन सब हट गया था, अब फिर अभी ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन होने के चांसेज है, अपना सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, ऐसे वैसे बात। तो गवर्नमेंट का क्या कमी है इतना पैसा खर्चा करने के बाद? मैं अपना इंडिया का एग्जांपल दूंगा, 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था इंडिया में इसी कोरोना पेंडेमिक में, फिर भी कमी कहाँ रह गई, यानी गवर्नमेंट विफल हो गया इसको कंट्रोल करने में? जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट को ही कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और है जो संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था है WHO जिसको बोलते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जिसको बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है और वहीं से सारा ये नोटिफिकेशन मिलता है, तो उसका काम क्या है अभी एक्चुअली में? वो क्या सिर्फ लोगों को मतलब डरवा रहा है, डर पैदा कर रहा है, या कुछ वो ठोस कदम भी उठा रहा है इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए? इसके बारे में मुझे अभी कुछ जानकारी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि देखिए, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ कि WHO क्या करता है कि हर एक साल के बाद आ रहा है निकल करके, और वो आ करके बस लोगों के अंदर यही बातें पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है कि एक नया वेरिएंट आ गया, ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आपने एक साल पहले क्या किया, यानी WHO ने क्या किया एक साल पहले, इसको क्या कदम उठाया? इतना लोगों को वैक्सीनेटेड लोग हो रहे हैं, फिर भी अगर ये बीमारी फैल रही है, तो क्या फिर ये वैक्सीन लेना सही नहीं है? इससे क्या फायदा है फिर वैक्सीन लेने से? तो एक तो सवाल और पैदा हो रहा है कि ये जो वैक्सीन हम ले रहे हैं, तो ये भी एक बीमारी का कारण है, जो नई वेरिएंट आ रही है, बोल रहे हैं कि ये बहुत ही भयानक है, भयावह है, तो ये हो सकता है कि वैक्सीन लेने से भी ये बीमारी पैदा हो फिर इंसानों के अंदर, तो ये तो और मुसीबत बन जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आपका पूरा ओवरऑल क्या व्यू रहा है कोरोना जो एक साल के बाद, जो इंडिया में, खासकर मैं इंडिया की बात करूंगा, कि फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड का हल्ला हो रहा है, न्यूज़ पेपर से हल्ला हो रहा है, ये जो चैनल वाले वहीं दिखा रहे हैं ज़्यादा, जो न्यूज़ दिखाते हैं, जो पेड मीडिया जिसको बोल सकते हैं या गोदी मीडिया बोल सकते हैं, तो ये कैसे ये लोग इस तरह से बवाल फैला रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका है? जहाँ तक देखा जाए गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं, गवर्नमेंट का भूमिका रहता हाँ तो ये तो बहुत पहले ही खत्म हो गया रहता। जी बिल्कुल, और
एक साल 6 महीने 7 महीने और लॉकडाउन हट गया, फिर लॉकडाउन लग रहा है, क्या गवर्नमेंट को भी बोला जा सकता है? जी जी, तो दोस्तों जैसे आपने सुना आजाद साहब को कि कोरोना जो है ये एक अपने आप में रहस्यमय बन गया है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हर एक साल कैसे आ जा रहा है, किधर से आ रहा है, बीच में ख़त्म हो जा रहा है लेकिन हर एक साल के बाद ये फिर आते जा रहा है। तो इस पर किसी का भी ना कंट्रोल हो पा रहा है, WHO जो इसका कंट्रोलर है वो भी पूरी तरह से इसमें असफल साबित हुआ है। तो आप लोग हमारे वीडियो देखते रहे हैं और इससे पहले हम लोग ये जो मेरा फर्स्ट भाग है इसके बाद हम लोग दूसरा भाग भी लेकर आएंगे जिसमें और इससे ज़्यादा जानकारी आपको इंशाल्लाह देंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।